हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत में वक्त है पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबर पर अपडेट देने का। उत्तरी दिनाजपुर में कल हिंसा भड़क उठी। लोग एक नाबालिग की रेप के बाद हत्या का यहां विरोध कर रहे थे। जी हां, बीजेपी का कहना है कि बंगाल अपराध का अड्डा बन चुका। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में रविवार को लोग भड़क गए और पुलिस के वाहनों को आग लगा दी। ये लोग कालाघाट इलाके में एक नाबालिग लड़की का गैंगरेप कर हत्या किए जाने का विरोध कर रहे थे। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये लोग पीड़ित को इंसाफ की मांग कर रहे थे, तभी अचानक प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस ने जब इन लोगों को रोकने की कोशिश की तो उन पर पत्थरबाजी भी की गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर हिंसा पर उतारू भीड़ को तितर बितर किया। बीजेपी ने भी इस घटना के विरोध में नेशनल हाईवे जाम कर दिया। बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल अपराध का अड्डा बन गया है। सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल के टूरिज्म मिनिस्टर गौतम देव ने कहा कि इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, जांच हो रही है और जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। लेकिन बंगाल में राजनीतिक हिंसा की खबरें अचानक बढ़ गई हैं। 13 जुलाई को पश्चिम बंगाल की हिमताबाद सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे का शव फंदे से लटकता मिला था। बीजेपी का कहना है कि पहले विधायक की हत्या की गई, फिर उनकी लाश को लटका दिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार इसे आत्महत्या बता रही है, वहीं बीजेपी इसे हत्या बताकर सीबीआई जांच की मांग कर रही है।